एनसीपी अध्यक्ष शमीम खान 12 जून को करेंगे डॉक्यूमेंटेशन कैंप का आयोजन। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलवामुरा विधानसभा और उसके अध्यक्ष शमीम खान की तरफ से 12 जून को एक डॉक्यूमेंटेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र और कागजात जो है, आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक की, ये सभी इस डॉक्यूमेंटेशन कैंप में बनाए जाएंगे। किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा उस संबंध में एक पत्रकार परिषद लेकर अध्यक्ष शमीम खान ने जानकारी दी। शमीम भाई, आज आपने अपने कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था पत्रकार परिषद रखने का, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आए हुए तमाम पत्रकार भाइयों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय ऑफिस से उनका इस्तकबाल करता हूं और उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी कभी आपको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, आप अपने वक्त से आए, उसके लिए आपका हम तहे शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीके से कि शहर में बहुत सारे लोगों का सोसाइटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, मुफ्त प्रमाण पत्र शिविर का एक कैंप हम लोगों को आयोजित करने के लिए, ये जो प्रमाण पत्र शिविर है ये हम लोग हर साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर रखते हैं। इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी रखा है, वरना हम लोग इसको 5 अगस्त को रखते थे। ये जो है दस्तावेज जो है, ये बहुत सारे स्कूल कॉलेज और बहुत सारी जगहों पे इसका इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हमारे शहर के जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं डॉक्टर साहब, उनको भी बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ से उनके पेरेंट्स को ले जाकर के थाने में जो तहसीलदार साहब की ऑफिस है वहाँ पर जा करके उस कैंप पे वो जा करके वहाँ पर उनके लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद उनका नंबर लगता है, फिर उनको यहाँ आने जाने में ट्रॉलिंग भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब, शेरदेश्वर भाई साहब, आनंद वाजपे साहब की क्यादत में हम लोगों ने इस कैंप को 12 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा ऑफिस के ऊपर हम लोगों ने आयोजित किया है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि इस कैंप में कौन कौन सी सर्टिफिकेट बनेगी और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले यह है कि निवासी दाखिला जमा भाई, इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मैं देखिए आपके माध्यम से अपने शहरवासियों के लिए खास करके ये बात बताना चाहता हूँ, इसको अगर आप नोट करें कि बर्थ सर्टिफिकेट, निवासी दाखिले के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, LC, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, 3 फ़ोटो, ये हो गया निवासी दाखिले के लिए, ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आपको बनाना है सीनियर सिटीज़न कार्ड, बहुत सारे सीनियर सिटीज़न को इसकी ज़रूरत पड़ती है कार्ड की, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक बिल, LC, टैक्स पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है आपको, उसके लिए आधार कार्ड, 3 फ़ोटो, पैन कार्ड, उसके बाद सैलरी स्लिप, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ की सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स का आपका जो डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स के लिए, उसके बाद बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिक बिल 3 महीने की, और 3 पड़ोसियों का आधार कार्ड, आपके आजू बाजू के लोगों का 3 लोगों का आधार कार्ड, उसके बाद डोमिसाइल की बहुत ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, डोमिसाइल के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, LC, इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, 18 साल से कम हो तो जिसको बनाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके लिए अगर वो 18 साल से कम हो तो उसके लिए उसके फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और साथ में 3 फ़ोटो, ये निवासी दाखिला, सीनियर सिटीजन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका दस्तावेज का कैंप राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस पे 12 तारीख को दिन सोमवार सुबह के टाइम में, इसका वक्त जो है 11 बजे से लेकर के ये स्टार्ट हो जाएगा और ये शाम में चलेगा कम से कम 6 बजे तक। हमारे जो बांगड़ साहब जो थाने के तहसीलदार हैं, मैं आपके माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ
मैं ये उम्मीद करता हूँ जवाहर भाई की, हो सकता है कि खुद तहसीलदार साहब, उनसे मैंने लेटर में इंतजार से विनंती किया है, हो सकता है कि तहसीलदार साहब खुद इस कैंप में आएँ और आकर के यहाँ पे बैठे आधा एक घंटा, और वो अपने जो भी हमारे तलाटी और सर्कल साहब, जो लोग भी उनके जो स्टाफ होंगे, शेख साहब जो उनके लोग आते हैं थाने से, उनके साथ मिल करके उस कैंप को सक्सेसफुल करने के लिए यहाँ पे खुद तहसीलदार साहब का विजिट हो सकता है। शमीम भाई कितने दिन का कैंप है? और एक दिन का। और इस कैंप में इंशाल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब और शहर के हमारे तमाम एक्स नगर सेवक, नगर सेविकाएँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार और शहर के तमाम एनजीओस के लोग भी शामिल होंगे। इस तरीके का प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहाँ तक प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब यहाँ मौजूद है, उनके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग इसका लाभ उठाएं। ये कैंप मुफ्त है, कोई इसकी चार्जेस नहीं है। हाँ, हम बताना चाहेंगे कि हमारे ऑफिस से तीन दिनों से शोएब भाई, पूजा मैडम और रफी मुल्ला, ये लोग लगे हुए हैं, नेहा मैडम, ये फॉर्म हम लोग यहाँ से आपको दे रहे हैं। आपको ये फॉर्म दिया जा रहा है, ये फॉर्म है, और आप ये फॉर्म लेकर के ऑफिस से जा रहे हैं। यहाँ से जो भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी इस पर पूरा हिस्सा बने हुए हैं, ये भी यहाँ से फॉर्म लेके जा रहे हैं, और ये फॉर्म भर करके उनको लाना है। अब संडे को 11 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक इस फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। अगर आप ये फॉर्म ला करके कल आप यहाँ स्क्रूटनी करा लेंगे हमारे ऑफिस पे, इसके लिए यहाँ पूरी टीम मौजूद है, तो आपको जिस दिन यहाँ कैंप होगा यानी मंडे को, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जफर सैयद साहब भी मौजूद हैं और तमाम लोग, इशरत भाई हैं और डॉक्टर परवेज साहब हैं, हाजी इसहाक साहब हैं, तमाम लोग जो लोग हैं, डॉक्टर शाह साहब, तमाम लोग जो लोग हैं, इम्तियाज बोनो, सोनू आजमी, इम्तियाज खान, सब लोगों से मेरी अपील है पार्टी के जॉइंट मेडिकल कि आप लोग इसका पूरा हिस्सा बने। और ये फॉर्म मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, ये फॉर्म आप अपने हर सोसाइटीज़ के अंदर, जिस सोसाइटी में आप इलाके में जो आपकी सोसाइटीज़ है, चालियाँ हैं, वहाँ तक, यहाँ पर साकिब लड़का भी है, चार नगर से बिलोंग करता है, आप अपने चांद नगर के हलके के अंदर पूरा आप लोग इसको हर घर तक, घर घर तक पहुंचा लो, और ये उसके बाद लोग फॉर्म भर के लेके आए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, हमारी टीम आपको पूरा उसके बारे में ब्रीफिंग भी करेगी, और कल आकर के सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप इसका लाभ उठाएं। मैं आपके माध्यम से इसी को संदेश देने के लिए आज की मैं आपको मीडिया के को मैंने इन्वाइट किया। और डॉक्यूमेंट की जो आपकी कॉपी होगी, यानी उसको आप साथ में उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के आए, तो और ये कैंप जो है वो इनका एक दिन के लिए किया गया है, और अगर इसके बाद भी कहीं लगा कि नहीं आप लोगों को कैंप को बढ़ाना है, तो श्योरली हम इसके लिए बात करेंगे हमारे बांगर साहब से, तहसीलदार साहब से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बांगर साहब जो तहसीलदार साहब हैं हमारे, उन्होंने हमारे शहर के लिए जबरदस्ती साहब बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और आगे भी उनसे हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का हमें कैंप वो देते रहेंगे।